डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप एडमिशन, और आज हम इसका पहला सवाल देखने जा रहे हैं, और साथ साथ आज हम इसका पहला मेथड भी देखने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि पार्टनरशिप एडमिशन में काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें परचेज ऑफ इंटरेस्ट मैथड है, बोनस मैथड है, गुडविल मैथड है, सफिशेंट कैश मैथड है और मिक्स मैथड। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की, कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में आना चाहता है और वो पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के, यानी जो पहले से पार्टनरशिप में मौजूद हैं पार्टनर, उनमें से किसी का हिस्सा अगर परचेज कर कर वो पार्टनरशिप में आना चाहे, तो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसका क्या मतलब होता है, इस लेक्चर में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपके सामने एक लिख रहा हूँ। अच्छा, देखिए, एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि जो पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल आपके एग्जाम में आता है, उसमें एक ही सवाल में दो तीन या चार केसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम दो चार केसेस हो सकते हैं, मिनिमम दो केसेस हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा केसेस होते हैं। तो उन एक से ज़्यादा केसेस में एक केस हो सकता है कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मैथड का हो, एक केस बोनस मैथड का हो, एक केस जो है वो सफिशेंट कैश मैथड का हो, एक केस गुडविल मैथड का हो, यानी मुख्तलिफ केसेस उसमें मौजूद हो सकते हैं। तो हम सवाल को कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम सवाल को इग्नोर करके, यानी सवाल में जितने भी मेथड्स हैं उन तमाम मेथड्स को इग्नोर करके फिलहाल हम सिर्फ एक मेथड पे फोकस कर रहे हैं। वो कौन सा मेथड है? वो है परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यानी अभी हम सिर्फ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड को करेंगे। जिस सवाल में परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड का जिक्र किया जाएगा, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। फिर जब परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सवालात में हम तलाश करेंगे बोनस मेथड को, फिर गुडविल मेथड को। यानी इस तरीके से पहले हम मेथड्स को सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, यानी पूरे पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेथड्स को सॉल्व करते हुए चले आएंगे। तो आइए आज हम पहले मेथड पर चलते हैं, जिसका नाम था परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो आपके लिए एक सवाल लिख रहा हूं, एयर आपको मैं बता देता हूं, 2012 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर होगा इसका 7 और इसका केस नंबर होगा 4। केस नंबर 4 से क्या मुराद है, अभी आपके सामने जब क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ फहाद एंड फवाद वर 1,90,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली एज ऑन मार्च 31, 2012। दो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं। फहाद का कैपिटल है 1,90,000 और फवाद का कैपिटल है 1,80,000। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट हमदान एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने इस डेट पर, यानी 31 मार्च 2012 को, उन्होंने हमदान को पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए कहा है और उन्होंने पार्टनरशिप में इसको शरीक किया। शरीक करने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस आपको बताई, यानी कुछ वो केसेस आपको दिए हैं। क्या है रिक्वायरमेंट में आपसे कहते हैं, शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ हमदान अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन सेपरेट। नीचे आपको चार केसेस बताए जा रहे हैं, इन चारों केसेस से आपको जो है वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी हम सिर्फ एक ही मेथड पे फोकस करेंगे, और वो कौन सा मेथड होगा, वो होगा परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी उसकी पहचान क्या है, कि अगर आपके सवाल में परचेज या बाय का लफ्ज मौजूद है तो वो किसकी पहचान है, वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की पहचान होगी। अगर आपके सवाल में परचेज या बाय का लफ्ज मौजूद है तो वो आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन होगी। देखते हैं, लिखा हुआ है हमदान इन्वेस्ट। देखिए, किसी भी मेथड में अगर इन्वेस्ट का जिक्र आ जाए तो बस समझ जाइएगा कि वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है। इन्वेस्ट का मतलब ये है कि पार्टनर जो है वो किसी पार्टनर का हिस्सा नहीं खरीद रहा, बल्कि आने वाला पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। किसी एक या किसी दो पार्टनर के हिस्से में से परचेज नहीं कर रहा, बल्कि पूरी पार्टनरशिप में वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और जब पार्टनरशिप में पैसे वो इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जो है वो फिर आप परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमदान इन्वेस्ट फर्नीचर ₹45,000 एंड सफिशियंट कैश फॉर अ 1/3 इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ये इसमें ना परचेज का जिक्र आया ना बाय का जिक्र आया, और मैंने क्लियरली कह दिया कि अगर इन्वेस्ट का जिक्र आ जाए तो वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मैथड नहीं होगा, तो ये परचेज ऑफ इंटरेस्ट मैथड नहीं। केस टू में देखते क्या लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है हमदान इन्वेस्ट, फिर इन्वेस्ट का जिक्र आ गया, कैश ₹2 लाख एंड इज टू रिसीव 1/2 इंटरेस्ट, फहाद एंड फवाद डिसाइडेड टू रिटेन देयर प्रेजेंट कैपिटल बैलेंसेस। ये आपके पास दूसरा मेथड है, इसमें भी कहीं पर भी परचेज या बाय का जिक्र मौजूद नहीं है, तो ये भी परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है। केस थ्री में लिखा हुआ है हमदान इन्वेस्ट, कैश ₹1,50,000 एंड इज टू रिसीव अ 1/4 इंटरेस्ट, अगेन इसमें इन्वेस्ट का जिक्र आ गया, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन इज टू बी ₹6 लाख। तो यहाँ पर भी कहीं पे भी आप देखें तो कहीं पर भी यहाँ पर परचेज या बाय का जिक्र मौजूद नहीं है, तो ये भी परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं होगा।
केस फोर पर आते हैं, देखिए लिखा हुआ है हमदान परचेज। देखिए यहां पर इन्वेस्ट का जिक्र नहीं है, बल्कि यहां पर किसका जिक्र है, यहां पर परचेज का जिक्र है। तो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहां पर इन्वेस्ट का जिक्र नहीं होगा। सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इन्वेस्ट का जिक्र नहीं होगा। अगर इन्वेस्ट का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है, और अगर इन्वेस्ट का लफ्ज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है हमदान परचेज अ वन थर्ड इंटरेस्ट ऑफ फहाद फॉर रुपीज 50,000 एंड वन फोर्थ इंटरेस्ट ऑफ फहाद फॉर रुपीज 50,000 कैश। देखिए वो कह रहे हैं कि हमदान ने वन थर्ड हिस्सा परचेज किया, किसका, फहाद का, यानी जो भी फहाद का कैपिटल है उसके कैपिटल में से उसने वन थर्ड हिस्सा उसका परचेज किया, और उसके बदले उसने उसको 55,000 कैश पे किया, और इसके अलावा उसने वन फोर्थ हिस्सा परचेज किया, किसका परचेज किया, उसने फवाद का परचेज किया, और उसके बदले उसने उसको कैश दिया, कितना कैश दिया उसको 50,000 रुपीज। यानी दोनों के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा परचेज कर रहा है, और एक को वो दे रहा है 55,000 और दूसरे को दे रहा है वो 50,000। जिसको 55,000 दे रहा है उसका कितना हिस्सा परचेज कर रहा है, वो वन थर्ड परचेज कर रहा है, और जिसको 50,000 दे रहा है उसको कितने दे रहा है वो, सॉरी उसको उसका कितना हिस्सा परचेज कर रहा है, वो वन फोर्थ हिस्सा परचेज कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट तो हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं करते, बस आप डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, आइए जरा उन बातों को समझ लेते हैं। ये जो जरूरी बातें थी एक बार फिर से मैंने वो तमाम जरूरी बातें यहाँ पर लिख दी। देखिए हम कौन से केस पर फिलहाल काम कर रहे हैं, हमने केस नंबर 1, 2, 3 तीनों को इग्नोर कर दिया, अभी वो हमारा टारगेट नहीं है। अभी हमारा टारगेट सिर्फ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, और परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड कौन सा केस है, आपका केस नंबर 4 है। तो केस 1, केस 2, केस 3 को अभी हमने छोड़ दिया, अभी हम डायरेक्ट कौन से केस पर आ गए, केस नंबर 4 पे। जो जरूरी बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए फहाद का कैपिटल कितना है, 1,90,000, फवाद का कैपिटल कितना है, 1,80,000, दोनों पार्टनर से कैपिटल मौजूद है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने हमदान को पार्टनरशिप में शरीक किया है, शामिल किया है, और हमदान जो है वो परचेज कर रहा है वन थर्ड इंटरेस्ट ऑफ फहाद। हमदान फहाद के कैपिटल का वन थर्ड हिस्सा परचेज कर रहा है। अब मेरी बात को जरा सुकून से समझिएगा, फहाद का कैपिटल पार्टनरशिप में जो मौजूद है वो कितना कैपिटल है, 1,90,000 रुपए। हमदान ने फहाद को बुलाया चाय के होटल पे, आओ जरा चाय पीते हैं, बारिश हो रही है, बारिश में बैठ के चाय पीने का अलग ही मजा होता है। फहाद ने बोला आओ चलो चाय पीते हैं। हमदान ने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता हूँ। तो हमदान फहाद ने कहा कि ठीक है तुम मेरे कैपिटल में से थोड़ा सा हिस्सा खरीद लो, और उसके बदले तुम मुझे पैसे दो, वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना हिस्सा किसी को बेच दूँ और तुम मेरा हिस्सा खरीद लो थोड़ा सा, और उसके बदले मुझे पैसे दे दो, तो तुम मेरा हिस्सा तुम ले लोगे और साथ साथ जो है वो तुम पार्टनरशिप में भी शरीक हो जाओगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो हमदान ने कहा ठीक है। तो फहाद ने कहा ठीक है मैं अपने कैपिटल में से वन थर्ड हिस्सा देने को तैयार हूँ। अब वन थर्ड इसका हिस्सा कितना बनेगा, आप कैलकुलेट करेंगे फहाद का कैपिटल कितना है, 1,90,000। 1,90,000 का अगर आप वन थर्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 63,333 रुपीज। इसका आंसर कितना आएगा, 63,333 रुपीज आंसर आएगा। अभी मैं कैलकुलेशन इसकी शो करूंगा आपको, बहरहाल 63,333 रुपीज इसका आंसर आएगा। यानी फहाद ये कह रहा है कि भाई मेरा कैपिटल है 1,90,000 रुपए, तुम 1,90,000 में से 63,333 रुपीज का कैपिटल तुम ले लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो फहाद ने कहा कि ठीक है इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ 55,000 दे सकता हूँ, 55,000 रुपए दे सकता हूँ। अब फहाद कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 63,333 रुपीज का कैपिटल दे रहा हूँ, यानी हिस्सा दे रहा हूँ, और उसके बदले तुम मुझे सिर्फ 55,000 रुपए दोगे। तो फहाद ने बोला भाई देखो मेरे पास इतने ही पैसे, मैं मजबूर हूँ, मैं इससे ज्यादा पैसे तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा ठीक है तुम मुझे 55,000 रुपए ही दे दो। तो उसने 55,000 रुपए फहाद को दिए। जहन में रखिएगा कि हमदान ने जो 55,000 रुपए दिए हैं वो पार्टनरशिप को नहीं दिए, बल्कि हमदान ने जो 55,000 रुपए दिए हैं वो फहाद को इंडिविजुअली पे किए हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को समझिएगा। जब फहाद ने अपना 63,333 रुपीज का कैपिटल ट्रांसफर कर दिया उसने किसके नाम पर, हमदान के नाम पर, तो फहाद का कैपिटल पार्टनरशिप से क्या हो जाएगा, फहाद का कैपिटल पार्टनरशिप से अब कम हो जाएगा। यानी अब उसका हिस्सा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को कम होने की सूरत में आप उसे कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो आप फहाद के कैपिटल को लिखेंगे डेबिट साइड पर कुछ इस तरीके से, फहाद के कैपिटल को हमने लिखा डेबिट साइड पर। कैसे, फहाद का कैपिटल कितना था, 1,90,000,
इसमें से कितना हिस्सा परचेज किया है उसने, आने वाले पार्टनर ने, 1/3। तो 1,90,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 63,333 रुपीज का हिस्सा परचेज कर लिया। किसने परचेज कर लिया? हमदान ने परचेज कर लिया। तो जब फहाद ने अपना हिस्सा हमदान को दे दिया तो फहाद का कैपिटल कम हो गया। कैपिटल कम होने की सूरत में हमने उसे कहां पर लिखा? डेबिट साइड पर लिखा। तो ये तो अभी उसने फहाद का हिस्सा परचेज किया। अब हमदान के हिस्से में कितने का कैपिटल आ गया? 63,333 रुपीज का। लेकिन हमदान का दिल अभी भी नहीं भरा है। हमदान के दिल में जो है वो नियत अभी भी बरकरार हो, कहता है मुझे और हिस्सा चाहिए पार्टनरशिप से। उसने फहाद तो चला गया घर, उसने 2 दिन बाद जो है वो फवाद को भी फोन किया कि आओ हम लोग चाय पीते हैं। फवाद कहता है भाई मैं चाय नहीं पीता, मैं मुझे पिज्जा खाना है। तो हमदान ने कहा ठीक है आओ चलो पिज्जा खाने चलते हैं। तो वो उसे होटल ले गया पिज्जा खाने के लिए, रेस्टोरेंट चले गए। अब हमदान ने कहा कि भाई तुम अपने कैपिटल में से थोड़ा सा कैपिटल मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में शरीक होना चाहता हूँ। तो हाँ, फवाद ने कहा ठीक है, वैसे भी मैं अपना कैपिटल थोड़ा सा कम करना चाह रहा था, यानी मुझे पैसों की जरूरत थी, दोनों पार्टनर्स को पैसों की जरूरत थी। तो फवाद ने कहा ठीक है तुम मेरे कैपिटल में से 1/4 हिस्सा परचेज कर लो। फवाद का कैपिटल कितना है? 1,80,000, और इसका 1/4 वो देना चाह रहा है, तो इसका 1/4 कितना बनता है? 72,000। 1,80,000 रुपये इसका कैपिटल है, 1,80,000 का 1/4, सॉरी 1/4 बनता है 45,000। तो उसने कहा ठीक है तुम मेरे कैपिटल में से कितना हिस्सा ले लो? 45,000 रुपीज का हिस्सा तुम ले लो। तो हमदान ने कहा ठीक है इसके बदले तुम मुझसे कितने पैसे लोगे? तो फवाद ने कहा कि इसके बदले मैं तुमसे 50,000 रुपये लूंगा। तो अब हमदान कह रहा है भाई तुम मुझे हिस्सा दे रहे हो 45,000 का और इसके बदले तुम मुझसे ले रहे हो 50,000 रुपये। तो उसने बोला हाँ भाई ऐसी ही बात है कि अगर तुम्हें शामिल होना है तो मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बेचने की, अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। अब फवाद जो अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है वो कितने का हिस्सा बनता है? वो सिर्फ 45,000 रुपीज का हिस्सा बनता है, लेकिन इसके बदले वो कैश कितना ले रहा है उससे? इसके बदले वो कैश ले रहा है 50,000 रुपये। जहन में रखिएगा कि हमदान जो कैश पे कर रहा है उसको 50,000 रुपये, ये हमदान कैश पार्टनरशिप को पे नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ फवाद को पे कर रहा है, यानी इंडिविजुअल पार्टनर को पे कर रहा है। वो पैसे पार्टनरशिप में नहीं आ रहे बल्कि फवाद के घर पर जा रहे हैं, फवाद उसे अपने घर पर लेकर जा रहा है। तो फवाद ने जैसे ही अपना कैपिटल हमदान के नाम पर ट्रांसफर किया, फवाद का कैपिटल पार्टनरशिप से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब कम होकर किसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी? अब उसकी इन्वेस्टमेंट हमदान के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो फवाद का कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप से कम हो रहा है, कैपिटल कम होने की सूरत में आप उसे कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड पर। तो आपने फवाद के कैपिटल को लिखा है डेबिट साइड पर। कैलकुलेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, 1,80,000 का कितना ले लिया मैंने? 1/4 ले लिया। तो ये दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने कैपिटल्स ट्रांसफर कर दिए थोड़े थोड़े। किसको ट्रांसफर कर दिए उन्होंने? हमदान को ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे ही उन्होंने अपने हिस्से हमदान को ट्रांसफर किए, पार्टनरशिप में हमदान का हिस्सा यानी उसकी इन्वेस्टमेंट यानी उसका कैपिटल, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमदान की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, यानी हमदान का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है पार्टनरशिप में। और जब कैपिटल किसी का भी इंक्रीज हो पार्टनरशिप में, उसका कैपिटल आप इंक्रीज करने की सूरत में उसे कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आप हमदान के कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। सवाल यह है कि हमदान का कैपिटल इस वक्त कितना हो गया पार्टनरशिप में? तो देखिए उसने 63,333 रुपीज का हिस्सा परचेज किया फहाद का, यानी उसको इतना हिस्सा मिला फवाद से, और फवाद से उसको मिला 45,000 का हिस्सा। तो उसका जो टोटल हिस्सा बनता है इस वक्त पार्टनरशिप में वो बनता है 1,08,333 रुपीज। यानी हमदान जो इस वक्त पार्टनरशिप में मालिक है वो कितने का मालिक बन गया? 1,08,333 रुपीज का मालिक बन जाता है हमदान। अब सवाल यह है कि सर वो जो हमदान ने 55,000 पे किए थे फहाद को और 50,000 पे किए थे फवाद को, उन पैसों का क्या हुआ? यानी वो जो 1,05,000 रुपये उसने अदा किए उसका क्या हुआ? तो देखिए मैंने आपको ये बात बताई है कि हमदान ने जो कैश पे किया है 55,000 और 50,000 रुपये, वो उसने पार्टनरशिप में नहीं पे किया बल्कि इंडिविजुअल पार्टनर्स को पे किया। अलग अलग लोगों को बुलाकर उनको इंडिविजुअली उसने पैसे दिए और वो पैसे पार्टनरशिप में नहीं आए बल्कि वो पैसे इंडिविजुअल पार्टनर्स के घर चले गए, यानी उनके जाती इस्तेमाल में वो यूज हो गए। तो पैसा बाहर से बाहर ही चला गया, यानी बाहर वाले पार्टनर ने जब वो पार्टनरशिप में नहीं आया था उस वक्त उसने वो पैसा दिया, और उसने जो पैसा दिया वो पार्टनरशिप में आने के बजाय वो बाहर ही चला गया। तो उन पैसों का पार्टनरशिप से कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो पैसा ना पार्टनरशिप में आया और ना ही वो पैसा पार्टनरशिप से गया। तो जब पार्टनरशिप में ना कैश आया और ना ही कैश गया तो उसे हम पार्टनरशिप में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड में आने वाला पार्टनर
किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिस्से को परचेज करने की सूरत में उसे वो जो भी कैश या कोई भी एसेट अगर पे करता है, तो उसे आप पार्टनरशिप में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो जो पे कर रहा है वो बाहर से बाहर ही पे किया जा रहा है, यानी वो जो पेमेंट हो रही है वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ रही। जब पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ रही तो उसे आप पार्टनरशिप में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो जर्नल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम पार्टनरशिप के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो पार्टनरशिप से रिलेटेड मामला है हम सिर्फ उन्हीं की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब पार्टनरशिप से रिलेटेड मामला क्या है, पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप में इतना जरूर हो रहा है कि एक पार्टनर का हिस्सा दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो रहा है, ये तो पार्टनरशिप का हिस्सा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो पार्टनरशिप में आया ही नहीं, तो इसीलिए वो पार्टनरशिप का हिस्सा भी नहीं है, तो इसीलिए हमने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो ये हमने पहला केस किया, पहला सवाल कंप्लीट किया अपने, पहले सवाल का सिर्फ एक केस अभी हमने किया, कौन सा मेथड किया अभी हमने, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक और सवाल देख लेते हैं परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड का, ताकि जो कंफ्यूजन हो आपको वो मजीद क्लियर हो जाए। 2005 रेगुलर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका होगा केस नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने है, लालानी एंड मोहसिन आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 2,70,000 एंड 1,80,000 रेस्पेक्टिवली, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट अशरफ एज अ पार्टनर। ठीक है, सारी अंग्रेजी मेरे ख्याल से आप लोगों को आती होगी, आप लोगों की अंग्रेजी मुझसे ज्यादा बेहतर होगी। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ अशरफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस सेपरेटली। आपको अशरफ की एडमिशन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। देखिए पार्टनरशिप एडमिशन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली यही होती है कि आपको जो है वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, बस जितने केसेस होंगे उतनी बार आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो पहले केस पर आते हैं, पहला केस क्या है, अशरफ इन्वेस्ट ₹70,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट रिकॉर्ड गुडविल। खुद कह रहे हैं कि आप गुडविल रिकॉर्ड कीजिए, यानी गुडविल मेथड हो गया। तो फिलहाल अभी हम गुडविल मेथड को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड पर फोकस कर रहे हैं। केस टू पर आते हैं, केस टू में लिखा हुआ है, अशरफ परचेज्ड 1/3 इंटरेस्ट ऑफ लालानी फॉर ₹1,40,000 कैश। अशरफ ने परचेज किया है 1/3 इंटरेस्ट, किसका परचेज किया, लालानी का, और उसके बदले उसने उसको कैश पे किया, कितना कैश पे कर रहा है वो उसे, ₹1,40,000। पॉइंट नंबर थ्री यानी केस नंबर थ्री में कह रहे हैं, अशरफ इन्वेस्ट ₹2,00,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट एंड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी ₹6,50,000। बस ये तीन केसेस हैं। अगर गौर करें तो पहले और तीसरे केस में इन्वेस्ट का जिक्र मौजूद है, और मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इन्वेस्ट का जिक्र आ जाए तो वहां पर परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज नहीं हो सकता। परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहां पर कहीं पर भी इन्वेस्ट का जिक्र मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे केस नंबर टू में अगर गौर करें तो वहां पर इन्वेस्ट का जिक्र नहीं है, बल्कि क्या लफ्ज मौजूद है उसकी जगह पर, उसकी जगह पर परचेज का जिक्र मौजूद है। तो केस नंबर टू आइडेंटिफिकेशन है, किस मेथड की आइडेंटिफिकेशन है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन है। तो आइए जरा परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन जब हमें हो गई तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ कौन से केस को, केस नंबर टू को फिलहाल अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन एक बार फिर से प्रेजेंट कर दिया, लालानी और मोहसिन के कैपिटल मैंने आपके सामने दिखा दिया, जो दोनों पार्टनर से कैपिटल थे। लालानी का कैपिटल कितना है, 2,70,000, जिसे समझना जरूरी है, और मोहसिन का कैपिटल कितना है, 1,80,000। केस नंबर टू में आपसे कह रहे थे कि अशरफ ने परचेज किया है, कितना हिस्सा परचेज कर रहा है अशरफ, 1/3 हिस्सा परचेज कर रहा है, वो किसका परचेज कर रहा है, लालानी का परचेज कर रहा है, और इसके बदले उसने लालानी को कैश पे किया, कितना पे कर रहा है वो, ₹1,40,000। आइए जरा इसकी एंट्री देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड में किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, आप डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो हम भी डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। लालानी जब अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है अशरफ को, तो लालानी का हिस्सा पार्टनरशिप में यानी जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सवाल यह है कि लालानी कितना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, तो देखिए लालानी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2,70,000। 2,70,000 में से वो कितना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, 1/3, 1/3 का मतलब हो जाएगा 90,000, यानी लालानी अपने कैपिटल में से ₹90,000 का कैपिटल यानी हिस्सा यानी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, अशरफ को ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे ही लालानी ने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया अशरफ को, लालानी का हिस्सा यानी उसकी इन्वेस्टमेंट यानी उसका कैपिटल पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल पार्टनरशिप से कम हो जाए तो उसे हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। तो आपने लालानी के कैपिटल को रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर, कितने से रिकॉर्ड किया, जितना वो ट्रांसफर कर रहा है, कितना ट्रांसफर कर रहा है वो, ₹90,000 का हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, तो आपने भी उसे ₹90,000 के अमाउंट से रिकॉर्ड किया।
किसे ट्रांसफर किया उसने, उसने सिर्फ अशरफ को ट्रांसफर किया। तो जब उसने अशरफ को ट्रांसफर कर दिया तो पार्टनरशिप में अब अशरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अशरफ का हिस्सा जब पार्टनरशिप में बढ़ेगा, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट, यानी उसे कैपिटल जब पार्टनरशिप में बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ने की सूरत में आप उसे कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो आपने अशरफ के कैपिटल को रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पर, कितने से रिकॉर्ड किया, 90,000 में। फिर वही सवाल के सर अशरफ ने जो 1,40,000 रुपये कैश पे किया है लालानी को, वो कहाँ जाएगा? तो भाई देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अशरफ जो कैश पे कर रहा है वो पार्टनरशिप में नहीं पे कर रहा, यानी पार्टनरशिप में वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसने लालानी को वो पैसे दिए और लालानी वो पैसे लेकर अपने घर चला गया। तो उसका पार्टनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। यस, यानी इस 1 लाख रुपीज़ को आप क्या कर, 1,40,000 को आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये पैसे पार्टनरशिप में नहीं आए। जब पार्टनरशिप में नहीं आए तो पार्टनरशिप में रिकॉर्ड भी नहीं किए जाएंगे। तो ये थी आपके पास अगले सवाल की एंट्री, केस नंबर 2 हमने इसका डिस्कस किया। अब देखिए, इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर का हिस्सा परचेज किया जा रहा है, पिछले सवाल में उसने दोनों पार्टनर के हिस्से परचेज किए थे, लेकिन यहां पर आने वाला पार्टनर सिर्फ एक ही पार्टनर का हिस्सा परचेज कर रहा है। हो सकता है भाई मोहसिन कहे, नहीं भाई मैं अपना हिस्सा नहीं बेचना चाह रहा, मेरा जितना हिस्सा है मैं अपने उतने हिस्से में ही खुश हूं, मैं अपना कोई हिस्सा नहीं बेचना चाह रहा। तो मोहसिन ने अपने हिस्से देने में से इनकार कर दिया, तो उसने सिर्फ लालानी के कैपिटल में से परचेज किया। तो ये सवाल यहां पर हो जाता है कंप्लीट। अब आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2 सवाल दे देता हूँ। सिर्फ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला सवाल होगा 2002 रेगुलर एंड प्राइवेट, इसका होगा केस नंबर 4, और दूसरा सवाल होगा 2008 रेगुलर, इसका होगा केस नंबर 1। ये लेक्चर आज का यहाँ पर हम एंड करते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से, यानी परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के हवाले से, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो जो कि आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।